भैया एक कुआं। हाँ नहीं कल जाता हूँ। रात रात दो लाख दूंगा। क्या बोल रहे हो अंकल जी? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे अंकल आराम से ना, रेट बोल रहे हैं जो मार्केट में कहीं नहीं चल रहा वो ये मांग रहे हैं रेट। अरे अंकल जी आपको टेढ़ा लगाना है कि नहीं लगाना है? लकन तुम एक काम करो, जरा वो बगल पे सब्जी वाला है ना पूछ के आना, जरा लखनऊ में आलू कितने का दे रहा है वो। हाँ ठीक है पूछ के आता हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी हो बोला छोटा भाई है, अगर उसने ये सब देख लिया होता ना बवंडा हो जाता। क्या बोल रहे तुम? एक रात की दो लाख दोगे? मतलब मैं समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो। से तुम वो बहुत समझदार, तुमने जितनी सफाई से अपने भाई को यहाँ से भगाया ना, इशारा तो तू मेरा समझ गई। लेकिन चल कोई बात नहीं, थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। ऐसा है, सब्जी का धंधा तो एक बहाना है, मैं थोड़ा सा शौकीन मिजाज आदमी हूँ। तू बोल, एक रात के तुझे मैं 2 लाख रुपए दे सकता हूँ? अरे पर करवाना क्या चाहते हो आप? अरे इतने भी नादान मत बनो मैडम, देखो मेरे पास बहुत पैसा है और मैं इसी तरीके से सब्जी वाला बनके या कभी कबाड़ी वाला बनके हर जगह घूमता हूँ। अगर मुझे माल पसंद आ गया मैं वही रेट फिक्स कर देता हूँ। तुम 2 लाख नहीं लोगी, मैं 4 लाख भी दे सकता हूँ। 4 लाख? हाँ तुम मुझे पसंद आ गई, बहुत पैसा है मेरे पास में, बोलो चलोगी क्या? ठीक है कहाँ चलना है? हाँ एक बात तो है, समझदार तो तुम पूरी हो, जल्दी ही पैसे वाली हो जाओगी। सुनो तुम मेरे साथ चलो, मैंने होटल का रूम बुक कर रखा है। अरे ऐसे नहीं जा रही मैं किसी होटल में, अगर होटल में रेट पड़ गई और पकड़े गए तो? अरे जब मैं तुझे 4 लाख दे सकता हूँ तो पुलिस वालों को कुछ नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल बेवकूफी रहना। अरे तू टेंशन मत ले, कोई रेट नहीं पड़ेगी और बस एक रात की बात है। ठीक है पर पक्का तुम पैसे तो दोगे ना? ऐसे तो नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तू मेरे साथ चल, पहले पैसे ले लियो बस। ठीक है चलो, लेकिन जाने से पहले ना मेरा ना एक दोस्त आ रहा है, मैं उसको भी बुला लेती हूँ, उसको ना कुछ पैसे देने हैं, उसके बाद में ना मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोस्त का भी यार तुम्हें अभी बुलाना है दोस्त को, फिर दे देना पैसे। अरे बस पैसे दे रही हूँ, पापा ने दिए हैं वो देना जरूरी है। वैसे भी उसको क्या शक होगा कि मैं तुम्हारे संग नहीं जा रही हूँ, तुम तो मांगुली से सब्जी वाले लग रहे हो। रुको प्रेम आना तो। हाँ क्या हुआ? पुलिस पुलिस को तुमने बुलाया? ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ हाँ पुलिस को मैंने ही बुलाया है और ये मेरा ही दोस्त है। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम यहाँ पर कुछ भी करते रहोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, जिससे तुम्हारी इतनी देर से बातें हो रही है ना और जिसको तुम ऑफर दे रहे थे ना, वो कोई और नहीं वो भी आपकी SHO है। अबे ओए बुड्ढे से ज्यादा चर्बी चढ़ी है, लड़कियों को बहला फुसला कर उन्हें पैसे बताकर तू उनको अपने साथ लेके जाता है, उनके साथ मजे करता है और लड़कियों को फिर किडनैप करके उनकी स्मगलिंग करता है बाहर देशों में, यही काम है ना तेरा? अरे नहीं साहब कैसी बात कर रहे हो, स्मगलिंग मैं कुछ नहीं करता, बस थोड़ा सा वैसे ही मजा वजा करता हूँ मैं स्मगलिंग नहीं करता साहब। किसने अपने मुँह से कब बोला है अभी कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियों को ये फंसाता है ना उनको ना ये अपने लिए लेके जाता है और मुँह मांगी कीमत देता है, और इसने ना ये तक बोला है कि पुलिस वालों को मैं रिश्वत देकर ना चुप करा दूंगा अगर रेट पड़ती है तो, और ना हो जो स्मगलिंग का केस इसके ऊपर लगा हुआ है ना वो भी सच्ची होगा। पहले ये खुद लड़कियों के साथ गलत काम करता होगा और उसके बाद में उनको जाके विदेश में सप्लाई करता होगा ताकि वो लड़कियां कभी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। हाँ मैडम आप ना सही बोल रही हो, इसीलिए ये सब्जी का ठेला लेके यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि जो भी लड़कियां आती हैं ये उन्हें ऑफर करता है 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, 4 लाख दूंगा, फिर तू उनको किडनैप कर लेता है और बाहर विदेश में बेच देता है। बेटा अब तू जाएगा बेटा बहुत लंबा अंदर, कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो तू कर रहा है ना वो बहुत बड़ा क्राइम है। देखो मेरी उम्र का थोड़ा सा लिहाज। कौन सी उम्र? तूने अपनी उम्र का लिहाज करा? नहीं ना तो आप तेरे को ना सजा देने का वक्त आ चुका है। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को, किस तरीके का इंसान है? अरे तू एक बाप तो होगा ना, अगर तेरी बेटी के साथ में कोई ऐसी गंदी हरकत करता तो तू उसको माफ कर देता? बता कर देता माफ? तेरी ना बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ पर ना एक ठरकी बुड्ढा है जो घूमता रहता है और मासूम मासूम लड़कियों को ना फंसाता रहता है, कभी आलू वाला बन जाता है, कभी कबाड़े बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। लेकिन जब हमारे पास तेरी फोटो आई ना तो हमने अपनी खबरियों को ना एक्टिवेट कर दिया था, तब हमारे आज कबीर ने बताया कि आज वो सब्जी वाला बन के बैठा है पीछे वाले शोभा मार्केट में। साहब कुछ और ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ले दे के मामला सेटल हो जाए तो।
और बता और क्या चाहिए तेरे को? और तू टेंशन मत ले, हम देने के लिए ही बैठे हैं, तेरे मार देंगे ना हवालात पे डाल के तेरे को, कि तू ये क्राइम करने से पहले ना अब 10 बार सोचेगा। मैडम अब इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लातों का भूत है, बातों से इसको समझ नहीं आएगा, पैसे ऑफर कर रहा है हमें। चल बेटा ताने, तुझे वहीं देखता हूँ। चल यहाँ से, कि तेरी बारात बुलाऊं।